नूरपुर में नशे के कारोबार पर उस समय पुलिस को कामयाबी हासिल हुई जब गुप्त सूचना के आधार पर नूरपुर पुलिस ने एक औरत से 400 ग्राम चरस बरामद की। नूरपुर के थाना प्रभारी संदीप शर्मा और उनकी टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर नूरपुर के वार्ड नंबर 2 में एक घर में छापा मारा। छापे के दौरान घर के ड्रेसिंग टेबल से 400 ग्राम चरस बरामद की गई। थाना प्रभारी संदीप शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि सूचना मिली थी कि नूरपुर के वार्ड नंबर 2 की अंजू वर्मा पत्नी स्वर्गीय पवन वर्मा पिछले काफी समय से नशे के कारोबार में संलिप्त है। संदीप शर्मा और पुलिस की टीम द्वारा अंजू के घर पर दबिश दी गई। तलाशी लेने पर घर के ड्रेसिंग टेबल के अंदर एक छेद बना हुआ था जिसमें अंजू ने 400 ग्राम चरस छुपा कर रखी थी। पुलिस ने 400 ग्राम चरस बरामद कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अंजू से तलाशी लेने पर उससे नगद 11,000 रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला को न्यायालय में पेश किया जाएगा। संदीप शर्मा ने कहा कि नशा बेचने वालों और करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का ये अभियान जारी रहेगा। सूचना के आधार पर अंजू वर्मा वाइफ ऑफ पवन वर्मा रहस्य वार्ड नंबर 2 नूरपुर के घर पर दबिश दी गई, जिसमें अंजू वर्मा के बेडरूम के ड्रेसिंग रूम में रखे हुए 400 ग्राम चरस बरामद हुई, जो तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अंजू वर्मा को हिरासत में लिया गया, जिसे आइंदा कल कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। इसके अलावा चर्च के अन्य तस्करों, इस तरह के धंधे में संलिप्त लोगों को मैं बतलाना चाहूंगा कि ये इस तरह के अवैध धंधे बंद कर दें, जिससे हमारा समाज पतन के गर्त में चला जा रहा है। जो भी इस तरह के अवैध धंधे करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके उनकी प्रॉपर्टियां तक सीज करवाई जाएंगी। नूरपुर से एस टुडे के लिए भूषण शर्मा की रिपोर्ट।